हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में, जहां पर हम मशहूर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला, इन सभी के सीक्रेट, जी हां सीक्रेट, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक कॉर्नर स्टोन है। तो अगर आप भी एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपके सर पर एक टांगती हुई तलवार होती है। जी हाँ, अगर कल को ये कंपनी बंद हो गई तो आपका क्या होगा? डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो सेफ है, उन्हें उनका प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स तो मिलने ही वाले हैं। लेकिन एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपको क्या मिलेगा? क्या आपके पास उन कंपनी के असेट्स पे कोई क्लेम है या आपके हाथों में आने वाला है ठेंगा? यही आपको बताता है किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो ये बताता है कि किसी भी कंपनी के असेट्स के लिए आप कौन सी प्राइस, क्या पैसा अदा कर रहे हो। ये आपको किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने में मदद करता है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। बड़े बड़े मशहूर इन्वेस्टर्स भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को बहुत एम्फेसाइज करते हैं जब भी वो स्टॉक एनालिसिस करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के लिमिटेशंस क्या क्या है और उसे स्टॉक एनालिसिस में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज द प्राइस, ये वो प्राइस है जो आप पे कर रहे हो किसी भी कंपनी के असेट्स के लिए। ये वो भी प्राइस है जो अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो आपको मिलेगी। आइए आप जल्दी से देखते हैं कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, किसी भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस और उसका बुक वैल्यू। अब करंट मार्केट प्राइस तो हमें पता है, लेकिन ये बुक वैल्यू क्या है? किताब का भाव? जी नहीं, बुक वैल्यू यानी कि कंपनी के टोटल असेट्स में से अगर वो अपने सारे लायबिलिटीज यानी कि कर्जे को पे ऑफ कर दे तो जो भी बचेगा वो होगा उस कंपनी का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस इनटैंजिबल असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको इनटैंजिबल असेट्स जैसे कि पेटेंट्स, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सबको माइनस करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल असेट्स जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन पर ही ध्यान देना है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब आइए जल्दी से हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ढूंढते हैं और देखें तो सही, बैंकरप्सी के टाइम पे रिलायंस के शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा या नहीं। तो रिलायंस का प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस जो कि एज ऑन डेट है 2121 और उनका बुक वैल्यू जो कि है 1042। अब रिलायंस का बुक वैल्यू है 1042, इसका मतलब है हर इक्विटी शेयर होल्डर का जो असेट पे क्लेम है वो है 1042 रुपीस का। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो आपको रिलायंस का प्राइस टू बुक वैल्यू आएगा 2.04। इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक रुपए के असेट के लिए एज एन इन्वेस्टर मैं 2.04 रुपीस दे रही हूँ, जो कि जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मैं ज्यादा पैसे अदा कर रही हूँ रिलायंस के असेट्स के लिए। तो जितना ज्यादा आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होगा उतना ही वो ज्यादा स्टॉक ओवर प्राइस होगा या महंगा होगा और आपके वैल्यू इन्वेस्टिंग के दायरे में नहीं बैठेगा। अब रिलायंस का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 2.04। अब ये रेशियो अच्छा है बुरा है ये कैसे पता चले, तो वो हम जानेंगे कि आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है हमारे इस अगले स्क्रीन में। तो आइए देखते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपका आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए, वैसे तो आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इंडस्ट्री और सेक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन 1 या 1 से नीचे का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हुआ तो वो स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का फर्स्ट सिग्नल होता है।
ऑन द कॉन्ट्ररी अप टू 3 तक का भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन 3 से अगर ऊपर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है तो वो स्टॉक एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में चला जाता है, ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नेगेटिव भी होते हैं। अब इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहला कि एक कंपनी अगर कंसिस्टेंटली यानी साल दर साल उसका कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी वो कुछ पैसे बना ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ लॉस पोस्ट कर रही है, तो भी उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कि उस कंपनी का जो शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल है वो इस लॉस की वजह से डिप्लीट होता जाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसे कंपनी से भी बचना है जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है, रादर आपको ऐसे कंपनीज में निवेश ही नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को जब आप स्टॉक एनालिसिस में यूज करते हो तो आपको पीयर या इंडस्ट्री से कंपेयर करना है। एग्जाम्पल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5.04, एक्सिस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.21। अब ये देखकर आप बता सकते हैं कि एक्सिस बैंक कोटक बैंक के मुकाबले तो अंडर वैल्यूड है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज ओनली 1.81। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस हिसाब से दोनों कोटक बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है और आपका जो वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रोपोजिशन है उसमें फिट नहीं होते। इसीलिए आप जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एनालाइज करते हैं या स्टॉक एनालिसिस में यूज करते हैं, तब हमेशा पीयर टू पीयर कंपैरिजन या इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू कंपैरिजन ही कीजिएगा। और याद रखिएगा कि 1 और 1 के नीचे आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में वो फिट होता है स्टॉक। वैसे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक बहुत ही चहेता रेशियो है इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट का, लेकिन इसे जब आप स्टॉक एनालिसिस में यूज करते हैं तो आपको इन 4 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एनालिसिस इज क्वाइट यूजलेस, यानी कि ये काफी काम नहीं करने वाला है अगर आप आईटी या सर्विस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आईटी हो या सर्विस सेक्टर हो, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके इनटेंजिबल असेट ज्यादा होते हैं। किसी भी आईटी कंपनी के पास सॉफ्टवेयर के पेटेंट्स ज्यादा होंगे, ना कि कोई टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी। तो इस केस में उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमेशा ज्यादा ही दिखने वाला है और आप कंसिडर करोगे कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड स्टॉक है या वैल्यू इन्वेस्टिंग में फिट नहीं होता। ये एक गलत एनालिसिस होगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 6.98, जो कि हमारा जो हायर एंड था 3 का उससे भी डबल है, लेकिन फिर भी अल्फाबेट एक ग्रेट कंपनी है फॉर इन्वेस्टिंग। उसी प्रकार से भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 13.8, जी हाँ 13.8, जो कि हमारे 3 के अपर लिमिट से कई गुना ज्यादा है। इनफैक्ट वो उसके इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो कि 7.85 है उससे भी डबल है, लेकिन फिर भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक 5-स्टार रेटेड स्टॉक है। तो इसीलिए जब कभी भी आप आईटी या सर्विस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपके इतने काम नहीं आने वाला। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को स्टॉक एनालिसिस में यूज करते वक्त आपको दूसरी जिस चीज का ध्यान रखना है वो है किसी भी कंपनी का हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कंपनीज असेट्स अक्वायर करने के लिए या असेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं, तो ये जो असेट्स है ना, ये कर्ज से फाइनेंस्ड है। इन केस अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो ये जो असेट को बेचा जाएगा और जो पैसे आएंगे वो पैसे इस डेट को, इस कर्ज को फाइनेंस करने के लिए यूज किए जाएंगे, वो आपके पास एज एन इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए आप जब कभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एनालिसिस करते हैं तो आप उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो पर भी खास ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.23, उसके इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.58, तो इंडस्ट्री के मुकाबले इसका बुक वैल्यू कम है, तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि CPCL का डेट टू इक्विटी रेशियो इज 5.98, जो कि उसके इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए आप जब कभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एनालाइज करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो को एनालाइज करना मत भूलिएगा, वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो स्टॉक एनालिसिस में यूज करते वक्त
तीसरी वो चीज जिस पे आपको खास ध्यान देना है कि क्या उस कंपनी के बैलेंस शीट पे हाईली डेप्रिशिएटिंग असेट्स तो नहीं है। देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि कंपनीज जब बैलेंस शीट में अपने असेट्स की वैल्यूएशंस मेंशन करती हैं, तो वो उन असेट्स को ओवर एस्टिमेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी है और मेरे पास एक मशीनरी है, सपोज XYZ मशीनरी, तो मैंने बैलेंस शीट पे मेंशन किया कि इस मशीन का मार्केट का भाव अगर मैं आज बेचने जाऊँ तो होंगे 10 करोड़ रुपए, लेकिन एक्चुअल में जब मैं बेचने गई तो इसका भाव सिर्फ 5 करोड़ ही था। तो ये जो बाकी के बैलेंस है, ये तो आपको बताएंगे कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि आपका क्लेम असेट्स पे ज्यादा है, लेकिन असेट्स का भाव तो गिर गया ना, ऑलमोस्ट आधा हो गया, तो आपका क्लेम भी आधा हो गया। इसीलिए जब कभी भी आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यूज करें, तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि उस कंपनी के पास कौन से टाइप के असेट्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जब आप स्टॉक एनालिसिस में यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप कैपिटल इंटेंसिव जो बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि आपका स्टील हो गया, पावर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, रिफाइनरिंग सेक्टर हो गया, इन्हीं में ये यूज करें, क्योंकि इन कंपनीज का जो टैंजिबल असेट्स होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं, और इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन असेट्स पे आपका क्या क्लेम है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको रिफाइनरिंग सेक्टर के 4 कंपनीज के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दे रखी है। स्क्रीन पर BPCL का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.87, HPCL का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.03, CPCL का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.23, जबकि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि MRPL का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.90। अब इसके अगेंस्ट इस पूरी रिफाइनरिंग इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.58। अब मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि BPCL और MRPL का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज मच हायर देन द एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इसीलिए ये स्टॉक स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हाई भी चलेगा एज लॉन्ग एज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा ही हो। आज के वीडियोस में आपको ये जानना जरूरी है कि जब कभी भी आप किसी भी इक्विटी शेयर्स में निवेश करें, तो आप ये जरूर जानें कि आप जब भी जो प्राइस भरते हो एक स्टॉक के लिए, उससे आप उस कंपनी के असेट्स का कितना क्लेम पा रहे हो। तो जब कभी भी आप प्राइस टू बुक वैल्यू को स्टॉक एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, तो और फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसपे हमने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हेल्प अस आउट, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सैमको सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ेगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में वायरल कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।